क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। इसमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 170 इक्वल टू 2 इंटू 8 ए प्लस 5 बी माइनस 9 सी। तो वैल्यू निकालना है, कैसे करेंगे देख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 170, राइट हैंड साइड में जो भी है उसको लेफ्ट में लेके आइए। 16 ए माइनस 10 बी प्लस 18 सी इक्वल टू 0 है। अगर हम ए स्क्वायर एंड माइनस 16 ए को देखें तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 64 चाहिए होगा, ले लिया हमने। ऐसे ही बी स्क्वायर माइनस 10 बी को देखेंगे तो प्लस 25 चाहिए होगा, और सी स्क्वायर प्लस 18 सी को देखेंगे तो इसके साथ 81 चाहिए होगा। ऐसा हो गया। अभी 64, 25 एंड 81 सब मिलकर 170 हो गया है, इसका वैल्यू क्या है 0। तो अपने को मिल गया कि a माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस c प्लस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तीन स्क्वायर का सम तभी 0 हो सकता है जब इंडिविजुअल स्क्वायर 0 हो जाए, मतलब कि a माइनस 8 का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, b माइनस 5 भी 0 हो जाए एंड c प्लस 9 भी 0 हो जाए। a का वैल्यू हो गया है 8, b इज 5 और c आपका क्या है माइनस। हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, 4a प्लस 8b माइनस सी। 4a कितना हो गया 32, 8b हो गया है 40 एंड अभी प्लस का c आ गया। सो 32 और 39 मिलकर 41, रूट 41 प्लस 40 81, 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9। सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो यही है, ऐसे भी आपको बार बार बोलते हैं कि एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो जनरली वो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व तभी हो सकता है जब कोई स्पेशल केस हो। यहाँ पे वो स्पेशल केस क्या है कि सम ऑफ स्क्वायर्स 0 है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।